नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, आराम से होंगे, सानंद होंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर कर रहे होंगे। जैसा हमने पहले भी कहा था कि जिंदगी इतने मौके कहाँ देती है कि अपनों के साथ आप बैठें, अपनों के साथ कुछ विचार करें या अपने तमाम उन सपनों को पूरा करें जो आपने कभी सोचे थे और समय अभाव के कारण आपको मौका नहीं मिल रहा था। कभी हम अपने बचपने में झांकना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि बचपना हमसे दूर हो सकता है। हम चाहते हैं कि समय लौट के आ जाए, वो बचपना हमारे पास लौट के आ जाए जब हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जब हमें घर से बाहर जाने की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इस भागम भाग जिंदगी की चकाचौंध में हमारे पास समय नहीं होता कि हम अपने आप से कभी बातें कर सकें, अपनी उन दबी हुई इच्छाओं को कभी पूरा कर सकें। पर हमें वक्त ने ऐसा मौका दिया है। 3 तारीख तक हमें अपने घरों में लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रहना है। तो जाहिर सी बात है, आइए मैं आपका आह्वान करता हूँ कि जो भी इच्छाएं आपके दिमाग में थीं, जो भी दिलों की इच्छाएं थीं जिन्हें हम कभी पूरा नहीं कर पाए, हम जब बच्चा नहीं बन पाए तो हम बच्चे बने, अपनी उन इच्छाओं की, अपने उन क्रिएटिविटीज़ की रिकॉर्डिंग करके स्वच्छ दुनिया को भेजें। आप देखिए, हमारे साथ हैं मास्टर अक्षत अवस्थी, जिनको दैवीय गुण प्राप्त है, जिनको हुनर प्राप्त है, सुरीले गले के मालिक हैं अक्षत अवस्थी, और वे कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते जिसे उन्हें बाद में लगे कि अरे ये काम मुझसे रह गया। आइए सुनते हैं अक्षत अवस्थी के मुख से एक सुरीला गीत। नमस्ते। जैसा कि हम लोगों ने लॉकडाउन 1 का पालन किया, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग लॉकडाउन के दूसरे फेज का भी हम लोग पालन करेंगे और कोरोना से ये जो जंग चल रही है उसमें हम लोग जीत हासिल करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि स्टे होम स्टे सेफ। तो इसी कड़ी में आपको मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। लम्हा गिरा कहीं
वहाँ दास्तां मिले, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है।